स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन टू सेक्टर मॉडल। देखो टू सेक्टर मॉडल में हमें आपको पढ़ाना है टू सेक्टर मॉडल, और टू सेक्टर मॉडल से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए थी, वो मैं आपको कन्फर्म करा चुका हूँ। जैसे कि कंजप्शन फंक्शन कैसे होता है, सेविंग फंक्शन आप कैसे ड्रा करते हैं, और फिर कंजप्शन फंक्शन और प्लस सेविंग फंक्शन दोनों मिला के हम एग्रीगेट फंक्शन भी बनाए थे, वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे अगर हम टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। तो टू सेक्टर मॉडल में हम क्लास क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लिखते थे, ध्यान समझना, y इज इक्वल टू c प्लस i लिखते थे। ओके, तो c का मतलब यहां पर कंजप्शन है, i का मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट है। हमें क्या करना है, ये y इज इक्वल टू c प्लस s को, ये y है, इसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलेंगे या हम इसे एग्रीगेट डिमांड्स बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। तो जब दोनों का एक्सपेंडिचर है तो जीडीपी कितना है, यानी कि ये आपका एग्रीगेट इनकम है या एग्रीगेट सप्लाई है। लेकिन इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, अलजब्रिकी कैसे दिखाएंगे, ठीक है, अलजब्रिक कैसे प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल कैसे प्रेजेंट करेंगे, और आपका टेबुलेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम तीनों चीज़ें एक साथ करेंगे तब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है क्लास, अगर आपको दे दिया जाए, ध्यान से समझना, अगर आपको दे दिया जाए कि जो कंजप्शन है, आपको पता है कि कंजप्शन का फंक्शन कैसे होता था, कंजप्शन होता है बेटा जी ए प्लस बी वाई, ये आपको पता था क्यों, क्योंकि ए यहां पर क्या है, ये है ऑटोनोमस, ठीक है, कंजप्शन, ओके, और B यहां पर क्या था क्लास, B इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू इनकम, जिसे हम B से डिनोट किए थे। तो ये इसे हम MPC बोलते हैं, ओके, और ये Y का मतलब यहां पर क्या है, GDP है। अब अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान के चलो बेटा कि C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 y है, यह एक आपको मैंने कंजप्शन फंक्शन दे दिया, 40 इज इक्वल टू 0.6 y, और आपको बोलता हूं कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन आपका कितना है, अगर आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन कितना है, कोई बताएगा, 40, यस, इफ इनकम जीरो कंजप्शन इज 40, ओके। अगर मैं ये बात करूं, इसी चीज को मैं यहां लिखते जाता हूं क्लास, देखिए ध्यान समझना, अगर आपकी इनकम जीरो है, इनकम आपकी जीरो है तो कंजप्शन आपका 40 है, ओके, इफ योर इनकम जीरो कंजप्शन आपका 40 है। अगर आपकी इनकम 100 हो जाती है तो कंजप्शन कितना होगा, अगर आपकी इनकम 100 हो जाती है तो कंजप्शन कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे बताइए, कितना आएगा क्लास, तो क्या करेंगे, 40 प्लस 0.6 इंटू 100, सो कितना आएगा, यस, सो योर, इफ योर इनकम इज 100 देन योर कंजप्शन इज 100, ओके। अगर आपकी इनकम क्लास मान के चलो 200 हो जाती है, इफ इनकम चेंज यानी कि 200 देन योर कंजप्शन 6 × 12 = 120 कितना होगा क्लास, कितना आएगा बेटा, प्लीज कोई कमेंट करो, 160, ओके। तो अगर इनकम आपकी 200 होगी तो क्लास होगा, यस, 160, आंसर सेट कलेक्ट, ओके। इफ इनकम 3000, अगर इनकम में सॉरी 300 हो जाती है, अगर इनकम 300 हो जाएगी तो कितना आएगा क्लास, इफ इनकम 300 देन योर 220, यस,
300 देन 220 ओके इफ इनकम 400 देन इफ इनकम योर इनकम 400 इफ इनकम 400 चार दुनिया चार सौ चौबीस दो सौ चालीस 280 यस क्लास 400 देन इनकम योर 280 यस 280 एंड इफ इनकम 500 देन इनकम 500 देन 340 गुड सो इट मीन्स अगर आपको कंजप्शन गिवन है आपको कंजप्शन फंक्शन गिवन है तो अगर आपको इनकम दे दी जाती है तो आप एग्रीगेट कंजप्शन को आप फाइंड कर लेंगे क्लियर ओके नेक्स्ट स्टेप हम थोड़ा सा और लेते हैं क्लास कि अब मैं बताता हूं ये सी इज इक्वल टू इतना दिया गया है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं 80 इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80 हमने ले लिया तो बताइए कि इक्विलिब्रियम कितना आएगा किस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा तो आपको इसको लगाना है कैसे लगाएंगे क्लास फाइंड कीजिए तो आपके सामने दो चीजें हैं मैं इसको मिटा रहा हूं बताइए देखिए आपको गिवन है C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6y इन्वेस्टमेंट इज 80 यू हैव ओनली टू सेक्टर हम सिर्फ टू सेक्टर पढ़ रहे हैं जब टू सेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ टू ही वेरिएबल लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस C प्लस आई ठीक है अब C की जगह पर क्या पुट करेंगे हम ओके तो y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6y प्लस 80 प्लीज निकाल के बताइए किसका आएगा प्लीज आंसर चाहिए मुझे प्लीज बताइए बेटा लोग अभी हम क्या करेंगे क्लास इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम 80 रख देंगे अब क्या करेंगे आप y इज इक्वल टू 0.6y इधर रहेगा और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 120 क्लियर अब y को आप इधर लेंगे 120 उधर छोड़ देंगे तो y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 120 यस निकिता गुड आंसर 300 यस क्लियर सो हम क्या करेंगे क्लास इसमें से क्या करेंगे कामा ले लेंगे तो हम क्या बनेगा हमारा 0.4y क्योंकि एक बाहर लेंगे तो यहाँ वन बचेगा इज इक्वल टू 120 ना वाई इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 300 क्योंकि 10 ऊपर चला जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 300 करोड़ रुपीज आएगा यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट दिया गया है कंजप्शन दिया गया है तो इक्विलिब्रियम 300 पे आ रहा है इट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट क्लास कितना है देखिए 80 है जब इनकम जीरो है तो इन्वेस्टमेंट 80 ये फिक्स है 80 नाउ यू कैन से कितना हुआ क्लास दिस 120 क्या हुआ 120 ओके देन बोल बेटा 180 240 नाउ 300 360 और देयर इज 420 तो आपका जो क्लास देखिए क्या बना इक्विलिब्रियम कहां पर आ गया वेयर इज इक्विलिब्रियम पॉइंट
300 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, तो आपका जो टोटल इक्विलिब्रियम है 300 पे हो रहा है। 300 पे इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आपके जीडीपी 300 है तो कंजप्शन 220 है और ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये था अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन। अब हम आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताते हैं कैसे लगाएंगे। देखो क्लास सिंपल सा करते जाना है जैसे हम करते आए हैं, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आप यहां पर क्या दिखाते थे, यहां पर लिखते थे आप क्लास, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लिया मैंने, क्लियर। अभी हम क्या करेंगे क्लास, यहां पर क्या लिखे थे, यहां पे हम y लेते हैं और यहां पे c प्लस आई लेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर इस पॉइंट पर ले रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो y है, ये तो y क्लास हो गया, c प्लस s हो गया, ठीक है, y हो गया, लेकिन आपका जो कंजप्शन है कहां से स्टार्ट होगा, कंजप्शन पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा, 40 से, क्यों? तो आपका जो टोटल जो कंजप्शन पॉइंट स्टार्ट होगा क्लास, वो कहां से होगा, कहां से होगा, 40 से। मान के चलो जीरो है, इसको 40 मान लो, तो क्या हो जाएगा आपका ये क्लास, ये इसको क्या लिखेंगे आप, कंजप्शन इज इक्वल टू दिख रहा होगा 40 प्लस 0.6 वाई, यानी कि आपका कंजप्शन 40 हो रहा है। मान के चलो यहां पर 40 है, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन आपका 40 है, क्लियर। अच्छा, और एक चीज मुझे कोई बताएगा कि जब हमारी कंजप्शन 40 है तो इनकम कितनी है, क्लास प्लीज, इफ योर कंजप्शन 40 देन योर इनकम इज कितनी हो रही है यहां पर, बेटा बोलो प्लीज, नहीं समझ आया भाई, जब कंजप्शन 40 है तो जीरो है, ओके। अब आगे बताइए कि अब हम बात करते हैं क्लास दूसरे स्टेप की, जब हम इसमें 80 इन्वेस्टमेंट 80 है, कितना है इन्वेस्टमेंट 80 है, तो अगर हम एक बात करें कि मान चलो 80 इन्वेस्टमेंट है, ओके, 80 इन्वेस्टमेंट है, इस 80 को इन्वेस्टमेंट को सीधा लाइन खींचते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट 80 फिक्स है, ठीक है। लेकिन अब हम दोनों मिला देंगे, जब इनकम जीरो है तो इन्वेस्टमेंट 80 है और जब इनकम जीरो है तो कंजप्शन 40 है, 40 और 80 को दोनों को मिला देंगे तो कितना क्लास बन रहा है, 120 आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बन रहा है, यानी कि अब हमारी लाइन यहां से स्टार्ट होगी, मान चलो इसको दोनों मिलाते 40 40, तो यहां चले जाइए आप, तो ये क्या हो गया क्लास, ये हो गया ए प्लस सी प्लस आई, क्या हो गया आपका सी प्लस आई, सी प्लस आई का मतलब होता है, छोटा सा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया आपने, यह लिखेंगे सी प्लस आई, तो इसको लिखेंगे हम यहां पे 40 प्लस 0.6 वाई प्लस 80 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 120 लिख देंगे और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहां पर आएगा, बोलो बेटा, यहां पर y कितना है, y कितना है क्लास, y यहां पर कितना है, कितना हो गया भाई, 300, ये हो गया आपका 300, यानी कि 0 100 200 400 एंड 500, ठीक है, और ऐसे आपका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है,
तो जब इस पॉइंट पर कंजप्शन कितना है कोई बताएगा? इस पॉइंट पर कंजप्शन कितना हो रहा है क्लास? एग्रीगेट कंजप्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर एग्रीगेट कंजप्शन आपका हो रहा है 220, यानी कि आपका कंजप्शन यहां पर हो रहा है 220 और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 80 का तो है ही है, तो यानी कि कंजप्शन लेवल यहां पर आ गया है। तो यानी कि आपका जो टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 220 प्लस 80 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या दिखाना है क्लास कि ये टू सेक्टर डिटरमिनेशन है, नेशनल इनकम का डिटरमिनेशन है इन टू सेक्टर मॉडल। जब आपको सिर्फ दो ही चीज दी गई है, क्या कंजप्शन दिया गया है आपका, आपका इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज नोट डाउन, ठीक है बेटा। सो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो आपको अल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन आ गया, तो मैं पूरा का पूरा मिटा रहा हूं या रहने देते हैं, चलो आप बना लीजिए। अब मैं बात करता हूं दो चीजें से क्लास, शिफ्टिंग एंड मूवमेंट की बात करेंगे हम, शिफ्टिंग एंड मूवमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह बताना था मुझे अपवर्ड शिफ्ट एग्रीगेट एंड बैकवर्ड शिफ्ट एग्रीगेट। तो अगर हम तो हम ग्राफिकल बना सकते हैं लेकिन टेबुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको ग्राफ में समझा रहे हैं कि किस तरह से अपवर्ड होता है, किस तरह से बैकवर्ड होता है, ठीक है। क्लास सेम चीज बनाएंगे, आपको पता है कि यहां से आपका वाई का ग्राफ जाता है, वाई जाएगा जिसे हम सी प्लस एस लिख सकते हैं। और ये अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ध्यान समझना, इसी में समझा रहा हूं, ये आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, क्या था? सी प्लस आई, सी प्लस आई था। ध्यान समझना एक एक बात, अगर मैं बोलूं क्लास कि यहीं पर रखो ये 300 है, कितना है 300 है, ये इक्विलिब्रियम था, क्लियर है? अच्छा, अब अगर इन्वेस्टमेंट, अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 40 और बढ़ जाता है, मतलब 80 तो था ही, अब 140 हो जाता है, या 40 और बढ़ा लो, 40 ओनली, तो 40 और करने के बाद हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा? अपवर्ड हो जाएगा। कैसे? अब आप प्लीज इसको निकाल के बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैं इसको पहले मिटा देता हूं, प्लीज फाइंड योर आंसर। इफ योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, आंसर क्लास दे देता हूं, सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6y एंड इन्वेस्टमेंट था इनिशियल 80 था, तो हमारा यहां पर था ये 300 था, अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि 40 और इंक्रीज हो गया, 40 और बढ़ गया। तो आप बताइए आपका 40 और होने से इक्विलिब्रियम कितने कितने करोड़ रुपए पे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए प्लीज। तो फाइंड करो आपका आंसर प्लीज, फर्स्ट फाइंड योर आंसर। सो आप कैसे लगाएंगे क्लास, सेम तरह लगा दीजिए कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई कर दीजिएगा, ठीक है, या सीधे लिख दीजिए कि दोनों को लिखा करके 120 लिख दीजिए। तो कितना था क्लास, ये y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6y प्लस दोनों को मिला के लिख दीजिए 120, ठीक है। कितना निकलेगा क्लास, अब मैंने लगाऊंगा प्लीज आप बताइए।
निकिता, अंजलि प्लीज, कोई तो बताओ कितना आएगा क्लास। आप भाई इधर लाइए, y माइनस इज इक्वल टू कर देंगे आप, वन सिक्सटी। यस, तो वन सिक्सटी एक आंसर बताओ, 160 या 180, बिकॉज इसको कीजिए 160, तो क्या होगा 0.4y इज इक्वल टू 160 अपान 0.4 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी, 400। गुड, सो नाउ यू कैन से चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया। जब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया तो ये तो था, अब क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं ए ई नॉट। तो आप बोलेंगे ए ई वन कर दीजिए, आंसर कितना आएगा क्लास आपका, 4000 आ गया, 400 आ गया। सो इनकम ई से ई वन पे चला गया, ओके। सो योर इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज होने से आपका इनकम कितना बढ़ गया, इतना इनकम बढ़ गया, जीडीपी इतना चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जीडीपी चेंज हो गया। जीडीपी क्यों चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, इसको हम आगे चल के आपको मल्टीप्लायर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको सिंपली निकाला है कि अपवर्ड और ठीक है, ये अपवर्ड शिफ्टिंग था, अपवर्ड शिफ्टिंग था। कब होगा, जब या तो सी बढ़ जाए या तो सी चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये था क्लास कि ये जीडीपी शिफ्टिंग था, अपवर्ड शिफ्टिंग है, ओके। और अगर मैं बोलूं कि चलो ध्यान समझना, आप अभी 400 पे चले गए थे, 400 पे चले गए, 300 से 400। अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 80 था, ठीक है 80 था, या कंजप्शन को चेंज करके देखते हैं, आप कंजप्शन फंक्शन को चेंज करके देख लीजिए। अगर हम आपको न्यू कंजप्शन चेंज करा देते हैं, कोई भी एक वेरिएबल चेंज होगा, या तो कंजप्शन या तो इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम कंजप्शन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। कंजप्शन को चेंज करके देखिए, अगर मैं बोलूं क्लास की आपका कंजप्शन फंक्शन चेंज है, सी इज इक्वल टू 40 की जगह पे आप 20 कर दीजिए, 40 की जगह पे आप 20 कर दीजिए, तो देखिए आंसर क्या आता है। प्लीज श्रेया, अंजलि आप लोग प्लीज लगाओ आप लोग। अगर मैं दोबारा मिटा दूं, अगर मैंने कंजप्शन फंक्शन चेंज कर दिया, यानी कि C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.6y दे दिया, ओके, और अब का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 ही रहने दिया, तो अब आप बताइए कितना आंसर आ गया क्लास। आंसर, सो अभी आप लगा रहे हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई 20 प्लस 0.6y प्लस 80, तो 0.y माइनस 0.6y इक्वल टू 100। किसी का नहीं आंसर निकला भाई, 100। सो 0.4y इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 250 इज करेक्ट आंसर। 100 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 250। इट मीन्स अगर आपका कंजप्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगी,
जब आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन आपका सिर्फ 20 हो रहा है। तो इस केस में आपका जो नया कंजप्शन फंक्शन बनेगा क्लास, वो क्या बनेगा, क्या बना आपका, ये बन गया, हम लिखेंगे सी प्लस आई, लेकिन यहाँ पर अब सी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 2 कर दीजिए आप, और अब आपका इक्विलिब्रियम 250 आ गया, ओके सो 250 इक्विलिब्रियम आपके आ गया। तो दोनों चीजें आपको यहां पर समझना है क्लास, कि डाउनवर्ड शिफ्टिंग एंड दस अपवर्ड शिफ्टिंग। अपवर्ड शिफ्टिंग होता है कोई भी वेरिएबल चेंज होगा, आइदर चेंज इन्वेस्टमेंट आइदर चेंज कंजप्शन, दोनों में से कोई भी चेंज होगा ये बढ़ जाएगा तो अपवर्ड शिफ्टिंग है, और डिक्रीज हो जाएगा तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग है। तो आप ई से अगर E1 पे जाते हैं, ठीक है, तो यह अपवर्ड शिफ्टिंग है, और अगर आप नीचे आते हैं क्लास तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया और एग्रीगेट डिमांड्स डाउनवर्ड हो गया। तो शिफ्टिंग एंड एग्रीगेट शिफ्टिंग मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, शिफ्टिंग का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। यहां पर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट ड्यू टू मतलब एक ही स्लोप में होता है, फिर चेंज नहीं होगा। तो अगर ये है ये एक्सपेंशन है, इनकम का एक्सपेंशन है, इनकम का कंस्ट्रक्शन है, तो यहां से यहां ना एक्सपेंशन है और यहां से यहां ना जीडीपी का कंस्ट्रक्शन है, जीडीपी कम हो रहा है, देखो वाई से डेल्टा वाई वन हो गया, तो ये जीडीपी का कंस्ट्रक्शन है और ये जीडीपी का एक्सपेंशन है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड है और ये एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड अपवर्ड एग्रीगेट डिमांड कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन इस नेशनल इनकम का होगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि जब आपकी इकोनॉमी में कंजप्शन चेंज होगा तो इनकम भी चेंज होगी, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो इनकम भी चेंज होगी, लेकिन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपका एग्रीगेट डिमांड्स अप और डाउन जा सकता है, इनकम लेफ्ट हैंड राइट हैंड यानी कि शिफ्ट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन हो सकता है सेम एग्रीगेट सप्लाई पे। तो इतना समय आ गया होगा क्लास। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप प्लीज उसे लगा के निकाल के बताइए कि आपका सर कितना आएगा। मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल, कल को आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड योर नेशनल इनकम कितना होता है, तब आप उसको कैसे निकालेंगे, बस यही क्लास इतना ही कराता हूं आपको आज। क्लास मैं आपको दे रहा हूं, मान के चलो एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको दिया कि C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 कर लेते हैं, 0.8y, और आपका इन्वेस्टमेंट में दे दिया आपको 300। अब आप मुझे जीडीपी निकाल के बता दीजिए कितना आएगा, बस। तो y इक्वल टू सी प्लस आई है, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है कि a प्लस बी वाई, ठीक है। यहां पर एमपीसी कितना है, 0.8 है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्लास, तो बताइए मुझे आंसर कितना आएगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, प्लीज आंसर बताइए मुझे कितना आएगा आपका, 200 प्लस 0.8y प्लस 300, सो 0. लगा लेते पूरा, y इक्वल टू 0.8y प्लस 500, आप y माइनस 0.8y करेंगे तो बराबर 500 करेंगे या 250, ओके 0.2y इज इक्वल टू 500,
कैसे है भाई? वाई इजक्वल टू 500 ठीक है अपॉन 0.2 यानी कि 100। यस, कितना आया आंसर प्लीज? मुस्कान लेफ्ट हो गई भाई, कितना आंसर आएगा प्लीज बताइए। यस ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही काफी है। हमने टू सेक्टर पढ़ा, लेकिन टू सेक्टर में हमारी दो अप्रोच है। ये अप्रोच थी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट इनकम अप्रोच। हम कल आपको पढ़ाएंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो मिलते हैं कल की क्लास में, प्लीज इसको नोट कीजिए पहले आप।